this background of digital marketing, so I was interacting with different organizations across the globe, designing campaigns for them. And what I realized was that when designing a campaign for me was still easy, what was difficult for me was to hire a person who can do the campaign. Somehow, you know, even today, when I talk to my colleagues, they still say, creative designer is a human. Artists somehow just vanished. So it's not that artists have vanished. The thing is that I personally felt that our entire system has been designed in such a way, right from the education to our jobs and everything, that creativity was kept aside. Last 5-6 years, there has been a change. So if I have to plot a graph, I can see a steep curve going up in last few years, where people are getting more aware with so many spaces coming up and so many people coming forward and performing, coming out of their bubbles and shells, and so much creativity which was always hidden in diaries, hidden under the pillows, that coming out. And I think people like Aseem have also contributed as people are hushed, because when you stand outside Abu Ghassan ki Bawli and you see there's a wall art, very beautiful Ganesha and all that you made, I think almost a decade back. Now, those who are just going there because this place became famous in PK movie, and then outside that they see a huge wall which depicts half of India in one single scene, you know, they think that, okay, we can also express. So people who have started coming out, who started fighting with the society, especially the administration, to bring a new life to city, the monuments, the walls, school textbooks and everything around us, they did make a difference. Absolutely, totally agree. Aseem, what do you want to say? I think that you have said 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 that पॉलिटिकल कमेंट्री लिखते हैं, रोज लिखते हैं फेसबुक पर बेटा, तो शायद हमारी पिछली पीढ़ी ने कभी नहीं लिखा। उनमें जो लोग आर्टिस्ट थे, जो लोग किसी भी तरह से कलाकार थे, जर्नलिस्ट या राइटर थे, सिर्फ उनके पास ही मौका था। बाकी सारे लोगों में से अगर कुछ लोग डायरी मेंटेन करते थे तो उनको छोड़ देगा, तो किसी ने जीवन में कुछ नहीं लिखा था। हमारी पीढ़ी पूरी तरह लिख रही है। आज के 30 साल पहले जो साहित्यकार थे या जो भी लोग लिख रहे थे, इस बारे में सोचते थे कि लिखने का भविष्य क्या होगा, कभी उनको उम्मीद भी नहीं होगी कि इतने लोग लिखने लगेंगे, अचानक इतनी सारी बातों पे एक सिनेमा आएगा तो इतने लोग उसको रिव्यू करेंगे। एक समय मैगजीन में भी वो एक पैराग्राफ का रिव्यू सकता था फिल्मों का, आज ये काम आदमी वो 4-5 पैराग्राफ का रिव्यू फेसबुक लिख देता है, कोई भी लिख देता है। तो हम बहुत लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं। टिकटॉक है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें कुछ वक्त हाँ मतलब मेरा उसमें अकाउंट नहीं है, मेरे मोबाइल में ऐप नहीं है, लेकिन कई लोग इस्तेमाल करते हैं फेसबुक पे, कई लोग उसकी वीडियो बना के डालते हैं इकट्ठा करके। तो मैं देखता हूँ वो लोग सोच रहे हैं ह्यूमर, वो लोग कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि वो जीवन में कला कर पाएंगे। घरों में मतलब हाउस वाइफ जो कभी घर के बाहर नहीं देखी वो सोच रही हैं, गाँव के लोग सोच रहे हैं, छोटे छोटे कस्बों के लोग सोच रहे हैं, और कई बार बहुत शानदार भी निकल गया था। तो आप सोचिए कि वो पूरा तबका जो इसमें सिर्फ सब्सक्राइबर था, दूसरे एंड पर करा था कि ऑडियंस की तरह, आज वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर रहा है। तो और मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई कमी आने वाली है। तो ये पिछले 5-7-10 साल से जो बढ़ता जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, कैसे कैसे लोग फिल्म बना रहे हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे। एक समय तो कुछ घराने के लोग फिल्म बनाते थे, अब बाहर के लोग कमजोर फैमिली से आके वो भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आसान है और चैलेंजेस तो सब जानते हैं, जैसे सरकार में तो चैलेंजेस तो बड़ी हैं, उस बारे में कुछ करेंगे नहीं। आप तो बहुत ही अच्छे से समझते हो, आई थिंक आप तो कौन राज है। हर्ष आपका क्या कहते हैं? सो आई थिंक दैट एसेंशियली इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिविटी, राइट, सो आई थिंक दैट क्रिएटिविटी इज लाइक मोर ऑफ अ प्रोसेस, यू नो, इट्स अबाउट सीइंग थिंग्स, बीइंग एबल टू परसीव देम इन अ पर्टिकुलर वे, and then kind of nurturing your innate need to create something and then coming up with something which was not already there, right? Absolutely. So I think that creativity is something which is still there, it has been there and it will always be there, but how it's being used and how it's being processed has changed, right? One of the big
issues that I have is that generally, you know, even I have a lot of friends who are like, "Arey, yaar, tu to bahut creative hai, artist hai, this that." And I try to explain to everyone that creativity is not something that is just limited to the art segment or to the literature segment, right? Like everyone is creative. It's just how you look at things and how you connect the dots together and what you come up with. Now, in terms of the change that has happened in the last 5 years, I think one of the biggest changes is access. Now, the access is unlimited. Absolutely. You know, there are so many people who are now kind of referred as content creators. And there are also a lot of people who are consumers. Right. Like I myself, and I'm sure that both the other panels I agree, we also consume a lot of stuff also, right? Right? Because you're constantly aware of what's happening. So because of this access, obviously a lot of good things have happened, right? Which Haseem has spoken about. But one of the things that has happened which is very interesting is that back in the day, maybe like for example 10 years ago, there was no such thing as street art or anything. I kind of started doing it and then it formed into what it is today. Something really very beautiful. thank you. And at that time, it was more of a problem of underexposure, right? It was more of you have to go to these places to get information, to get inspiration. Like back in the day, for me to meet someone like Vikramjeet or for me to meet someone like Haseem would be really difficult. You know, I'd be like, because both of them are so abundant in the knowledge of what they do and what they believe in. And now what has happened is that there is overexposure. There is oversaturation. So for the human mind, it becomes very difficult to filter what content is coming in. Right, so like I'll just give a quick example. For example, I love Vikramjeet's posts, right? Absolutely. I love his Same thoughts, I love the stuff that he does. Yeah. But on social media, before I can organically come to something that has come from him, I'm going to see a lot of other stuff. I'm not saying that stuff is wrong, but what I mean to say is that the process of filtration has never been more important than it is now. Absolutely. And that's what I think. And I think the problem, like, with the situation right now is obviously it's like you know, you have this really wonderful, modern, super creative people, but we are living in a system that is still kind of archaic in a certain sense. Exactly. Right? So what I was thinking to ask you as my next question totally gets related to what you just mentioned, Harsh. Because I was just about to ask you this question, because you mentioned our system, you mentioned something about our system. So I want to know at this moment, what do you think? Is our education system suppressing the creativity? I think Vikramjeet is the best person to start up to answer this question, because you being an educator. Well, I turned into an educator 3 years ago. And the reason to turn into an educator was when I was trying to, before that, I was not able to find good resources to hire, you know, in the company I was working. I had not gone through the formal channel of education. I dropped out after class 12, as in tried to go into college but never cleared it. Just got a job because I was programming since class 6. And that what made me feel that the only problem we have these days is that our schools, they have been focusing on something called STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Very recently, they've turned it into STEAM, where they've added arts to it. But when it comes to arts, so I was in one of the schools and they said, I'm going to show you how creative our kids are, how beautifully they've done everything. So I was, I think, in the first or second grade, and the entire classroom, the walls were beautifully decorated with cutouts, precisely cut leaves and other shapes, and then the mathematical formulae and nouns and verbs or whatever they were teaching over there, the words. So I, the teacher asked me, sir, what do you think? Is this good? You think our kids are creative? I said, I don't know whether your children were able to learn maths or science, but they will definitely learn art and craft. They know how to cut a leaf now. But that is not creativity. For me, creativity is when you give the liberty to this child that if you want to learn this formula, do you want to enact the formula?
Do you want to write it on the wall? Do you want to write it on that leaf that you have? Or would you like to bring us some clay and you want to create that formula with that clay? Now, are we actually asking these questions to our kids? You can stuff 40 kids in one room. We often say that 5 fingers on the one hand are not equal. I say that even one finger, if you divide it 3 parts, one pattern doesn't match with other, and it doesn't match with anyone on this planet. Nature can be so unique and discreet. How do you expect 40 or 30 kids sitting in one room and the next 35 minutes, one teacher standing here, whatever she or he says, sabko ek baar mein samajh mein aa jayega? That's where the problem is. So creativity is not a formula. आप जाकर बोर्ड पर लिख नहीं सकते a² + b² = 3 बन गया। आपको बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो तुम? सोचो और करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, कोई चीज़ गंदी हो जाएगी। करो ना। ये हमारे स्कूल्स ने ना कभी अलाउ किया है, आगे अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कुछ स्कूल्स कर रहे हैं। सो व्हेन यू से इज एजुकेशन सिस्टम सप्रेसिंग क्रिएटिविटी, आई वुड से आपने एक किताब तैयार कर दी है। आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू टीच अबाउट स्नोफॉल इन केरला एंड हाउ कैन यू टीच अबाउट एयर कंडीशनर्स इन लद्दाख। और अभी हम यही कर रहे हैं ना, एक करिकुलम सब जगह चलेगा, तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? क्योंकि आपको एक रिजल्ट चाहिए, और क्योंकि आपको तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश के बच्चों के साथ कंपेयर करना, और साथ में ये भी देखना है कि वेस्ट बंगाल वाले इससे आगे हैं कि पीछे हैं, आपको सेम क्वेश्चन पेपर देना पड़ेगा। बट ज्योग्राफी अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका रहन सहन अलग है। लद्दाख में बच्चा 2 दिन पैदल चल के स्कूल पहुंचता है, दिल्ली में बच्चा 30 सेकंड में दरवाजा खोलो सामने उसके स्कूल है। लाइफस्टाइल अलग है उनका, तो उनका पढ़ने का तरीका भी तो अलग होगा। सो आई थिंक दिस इज वेयर वी आर फेलिंग राइट नाउ। मुझे लगता है कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो वो हमेशा ही मतलब क्रिएटिविटी को सप्रेस ही करेगा। ये सिस्टम जब भी होगा, किसी भी तरह का सिस्टम होगा, वो क्रिएटिविटी को क्रिएटिविटी का प्रयोग करेगा, स्कोप ही नहीं छोड़ेगा। एक सिस्टम है तो आप उसको फॉलो करेंगे, आप कहाँ भी नया सीखेंगे। तो जैसा कि भी बहुत सुंदर बात कह रहे थे, आपके एक ही टीचर पढ़ा है, उसको एक ही किताबें पढ़ाई जा रही है, तो सारा देश एक ही किताब पढ़ रहा है, सारा देश एक ही चीज जान रहा है, तो उसको एक जैसा बनाएंगे। बहुत सालों से हमने एक फैक्ट्री बनाई हुई है कि हर कोई एकदम एक जैसा हो, वो एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसे बात रखे, एक जैसे दाढ़ी रखे, दाढ़ी में फैशन आता है, तो सबको एकदम एक जैसा होना चाहिए। और पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि अच्छा शायद सरकारें भी ये चाहती हैं या पूरी दुनिया के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि अगर एक जैसे लोग होंगे तो एक जैसी भाषा में कम्युनिकेट किया जा सकेगा, एक तरह से एक जैसे नियम अदा कराए जा सकेंगे, एक जैसे तरीकों से समझाया जा सकेगा, कंट्रोल किया जा सकेगा, समझाया जा सकेंगे। एक जैसे लोगों की जरूरत होगी तो फैक्ट्री भी एक जैसे लोग चाहते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े ऑफिसर्स क्यों ना हो, वहाँ भी एक जैसे लोग चाहेंगे, वो अलग अलग तरह के लोग थोड़ी चाहते हैं। तो हम सब चाहते हैं एक सिर्फ एक और इसका शुरुआत का हिस्सा है, इसमें कुछ दिखाया गया है बच्चों को, या फिर उसको कंपेयर किया गया है अमेरिका के किसी बड़े शहर से, कैसे हम सुबह उठते हैं सब के सब एक ही समय पे, अलार्म क्लॉक बजते हैं, फिर उसको हम बंद करते हैं, फिर दोबारा उठते हैं, दोबारा सुबह बजता है, फिर हम कितने समय में नहाते हैं, मोटा तौर पर बराबर समय है तैयार होने का, वो थोड़ा बहुत समय है समय, उसके बाद हम कैसे निकलते हैं, सब कुछ सेट है जीवन में, इतना निश्चित है सब कुछ। और फिर हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और बच्चों की उम्र का हिंदुस्तान की जितनी एवरेज है उसके हिसाब से तो वन थर्ड हिस्सा हम उनका स्कूल में बिता देते हैं, जिससे कि वो बाहर की दुनिया से सर्वाइव कर सकें, क्योंकि हम उनको बना रहे हैं, उनको लगता है कि बाहर की दुनिया सह पाए, इसके लिए उनको वन थर्ड हिस्सा खो देना पड़ेगा, बड़ा भाग हो उसी खुशी में खो देते हैं। तो हमारा जीवन सिस्टम बस तैयार कर रहा है, क्रिएटिविटी की कोई जगह नहीं है, और क्रिएटिविटी डालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्रिएटिविटी को खत्म किया जा रहा है उसको रोकने की जरूरत है। जैसा कि विक्रम जी कह रहे थे कि सब यूनिक है, हमारी सारी फिंगर हम सबके फिंगरप्रिंट से यूनिक है, हम सब यूनिक हो सकते हैं, और उस यूनिकनेस को कभी बढ़ावा दिया ही नहीं गया, बल्कि वो तो बहुत दूर की बात है, हमने हमेशा उसको एक पैटर्न में डाला जा रहा है। तो बस जितना इसकी क्रिएटिविटी को हम खत्म कर पाए उतना सिस्टम कामयाब हुआ है। एब्सोल्युटली हर्ष, आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करूंगी, बिकॉज हर्ष कीप्स ट्रैवलिंग ड्यू टू हिज वर्क, दैट्स रियली अप्रिशिएटेड। सो हर्ष, रिसेंटली यू हैव बीन टू चाइना, दैट्स व्हाट योर फेसबुक सेज, इज दैट ट्रू? सो हर्ष, व्हाइल यू कीप ऑन ट्रैवलिंग एंड यू कीप ऑन इंटरैक्टिंग विद डिफरेंट पीपल, व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू सी व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी? And what difference do you actually see in the mentality of the people while you travel to China and when you see people here in India? The question is a little blunt, but let's be honest, because this is the platform, I think, the people who are staying at 5 p.m. even on a Saturday for
think they respect this. So I'll try to answer that. And I think first, like, regarding the education system, like, because I have some really strong thoughts about that. I think these guys covered it really well. You know, there is this thing, like, when I was in school and when I was in 10th, then I was a very good student and everything, like, books were easy for me. And I was told that, mera 10th mein padhai kar le, achhe subject aa jayenge, phir life set aa jayenge. So I studied in 10th, I got science or whatever was the best thing at that time to get. Then again in the 12th, you know, there is this phase, like your teacher and your parents or these people come in, beta, barvi hai, zindagi ki baat hai, ki padh lo, padh jayegi. I was like, okay, okay, I'll study this time also. Then 12th I studied, then for college admissions again I had to study. And then even in college, my professors or my teachers were like, wait, this semester is very important, internship is very important. That is what I said, because I am also a professor. and then college got over, got my job maybe ye keh rahe the, and I somehow realized that like this is never going to end, right? So I think that with a lot of education that is happening, right, what is the end purpose of that education? Right, because for a kid in school, I am studying because I want to pass. I am not studying because of any other reasons, which I feel in concept only is like the wrong way to go about it. Right, because if you are studying just to pass an exam, then it seems to be more of a question of your ability to grasp and learn. Like, it's more about marking up things rather than your ability to understand and question and discover. Right. You know, which are like three very fascinating aspects of good education. Absolutely. Right? Which we kind of miss out on. So, and just for right now, when everybody was answering this, I was sitting here and I'm like thinking about what are the things that have happened that have changed in me. I think one of the biggest things that the, like, it does a lot of good things as well, but one of the biggest things that the education system kind of disrupts is that kids are not afraid to be wrong, right? And if you are in any kind of creative pursuit or in any pursuit, you cannot have the fear of being wrong. But as an adult, I'm really afraid of being wrong. I mean, most of the times, like, even if people are wrong, they will not admit it, which is, I think, definitely a big block. Because you have to be okay with being wrong. Absolutely. This right and wrong funda, that's off. Okay, so now going to the next question, right? I think that traveling is like a cure for ignorance, right? The thing is that we all come from, like, we're all like Indians, and we all come from like very distinct cultures. And in India, you, each culture is so rich, and there is such a distinct identity that you have. Right? And growing up, you believe that this is what is right. Okay? Or this is my definition of normal. And the thing is that when you travel and when you meet other people, you realize how wrong you are. Because there are so many different cultures, there are so many different identities, and everybody thinks they're right. But still in this rich, varied landscape, there are still certain things which are common connectors in every culture, right, or in every philosophy, be it spiritual, be it religious, be it a political, economic, whatever it is. So I feel that it's better to be able to connect to those things, right? Like, for example, like, I remember that we had done a project called Brinda Project, which is what Vikramjeet was also talking about many, many years ago, which was a collaboration between a Brazilian artist, Sergio, and me. Okay. And what we wanted to do is that we wanted to kind of work around on things about Brazil and India, about how the common man sees it. Like, if you ask anyone from Brazil, India is Taj Mahal and snake charmers, right? If you ask anyone in India about Brazil, they'll be like, soccer or bada festival hota hai, wahan pe carnival hota hai, bahut khatarnak. Right? So that is what they will say. But in reality,
Brazil is not that, and India is definitely not. Like, I don't remember the last time I saw a snake charm. So it's been a while. It's been a while. And so thinking that, and then when we started having more and more conversations, and then we started talking to more and more people as well, I realized that I have more in common with someone I know in China, with someone I know in Paris, with someone I know in Brazil, than we all have in common with the governments. So people who are, matlab, my relatedness to the body that is governing me is down here, but my relatedness to someone who's from some other continent, who's from some other culture, some other language, is more than that. And I think that's a big gap, right? Like, we need to figure out how to bridge this gap, because in the end, we're all same. We're all kind of motivated by the same needs, by the same wants, right? We all want connections, we all want similar things, if not the same. But still, and this is something that intrigued me a lot as a kid, right? Like, everybody's heading to the same destination. We're all going to die eventually. We all are governed by the same basic human traits. Why can't we just get along better? Because I can see so much of similarities. And that does not happen. The answer to that is that we don't get along better is because everyone is so regimented in their school of thought. I think this is right, and this is right. So you need to be able to be flexible enough to evolve. I'm sure everybody sitting here, even in the audience, you are a completely different person to who you were 10 years ago. Because you've kept that room to evolve. So we need to kind of keep evolving, and I think that is what travel does. Like, and another beautiful thing that I want to mention is that, you know, like now, this time I went to China, and in China, nobody speaks English, right? No apps also work. Google, Gmail, nothing works, right? That's why he accepted the invitation also a little late. Because his apps were not working there, and Vikramjeet helped us to accept the invitation. But I'm glad Vikramjeet did. And so then what happened is that I'm visiting a lot of these exhibitions and a lot of other things, but I cannot read anything, right? So usually whenever I go to museums, or whatever, I'm a bit of a, like, I love consuming information. So I will like read a lot about what this is, what happened, to give it context and everything. But this time I couldn't do anything, right? But it was beautiful. Because I had the freedom of interpreting the things that I've seen in my own way, right? So the stuff that I've learned in India, in Delhi growing up, I'm using to consume something that was made somewhere else. So now what will come out of that? I'm also waiting to see what will come out of that, but that should be interesting. We are also waiting to see. You should see his illustrations. You go to his Facebook or maybe Instagram and you see his illustrations. They are beautiful, actually. So we are also waiting for next illustrations to come. And as you were mentioning about flexibility, and Vikramjeet, you talked about that creativity cannot be written in the form of a formula. My question to all of you, starting with you, Asim. What do you think? Is creativity a part of the human nature? We need to do something to take it out? Or can a human mind or a human being, can he be nurtured in a way that he learns creativity? Is there a way to make any human being sitting so that he can be made to learn creativity, or can it be nurtured like that? Or creativity has to be a part of the human. That's what I want to know, taking that particular point further, that creativity cannot be jotted down in the form of a formula. So what's the key? The creativity is a formula se poocha jata hai. Formula creativity se nahi poocha sakte. तो मुझे लगता है कि इंसान को अगर हम देखें ध्यान से, तो वैसे तो बहुत सारी बातें जो इंसान को खास बनाती है, लेकिन शायद एक नजरिया ये भी हो सकता है कि जो भी एक ऐसी बात है जो इंसान को बाकी सारी स्पीशीज से अलग बनाती है इस दुनिया में, वो क्रिएटिविटी है. इंसान ने अलग तरह चलने की कोशिश की, इंसान ने आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश की, तो शायद बाकी जानवर नहीं कर पाए. इंसान ने अपने खाने के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए, अपने खाने को सुंदर बनाना चला, तो सारी एरिया अलग पहुँच गया. वो उसने
मतलब शायद एक उत्सुकता नहीं होगी और उसको हल करने की कोशिश नहीं होगी, क्रिएटिविटी भी नहीं है और तमाम चीज़ें अलग तरह से करने की कोशिश, वरना इंसान ही क्यों खड़ा हुआ होता है और जानवर तो नहीं खड़े होता है। तो हो सकता है कि इंसान को इंसान बनाने वाले चीज़ें क्रिएटिविटी दे, जिससे उसकी आँख खोजी हो, जुबान खोजी हो, एक्सप्रेसिवनेस का उसको एक्सप्रेस करना हो, तो भाषा तक पहुँचा हो, उस ज्ञान को आगे भी देना हो, अगले पीढ़ी तक किताबों तक पहुँचा हो। तो हो सकता है कि इंसान को इंसान बनाने वाली चीज़ें क्रिएटिविटी हो, क्योंकि कोई और जानवर तो क्रिएटिव दिखता नहीं, यहाँ पर जरा भी क्रिएटिव नहीं दिखता, मुश्किल से थोड़ी चीज़ सीख पाते हैं, घोंसला बनाना, छोटा मोटा गुफा, घर बनना, ये सब, उससे ज़्यादा इस तरह की क्रिएटिविटी सिर्फ इंसान के पास है। मतलब किसी के सब पे सेव करे तो उसको मतलब ये बात ख्याल आता है कि क्यों करना होगा, उसको जानने की कोशिश करें, उसके पैटर्न को, यही सब मेरे ख्याल है। लेकिन ऐसे कई बार मुझे लगता है क्रिएटिविटी साइंस तक ले जाती है, चीज़ों को जानने की इच्छा, उसके बाद इमेजिनेशन। कई लोग कहते हैं कि साइंस फिक्शन भी साइंटिस्ट को दिशा देता था एक वक्त तक, बहुत सारे साइंटिस्ट अच्छे भी उसको पढ़ते थे। तो कई बार एक ख्याल कि ऐसा हो सकता है, उस तरफ जाने की कोशिश, ये भी सर साइंस तक या तमाम फॉर्मूला पूछने की कोशिश नहीं होगी, तो उसका हम कोई गणित तो नहीं बना सकते, उसको सिखा नहीं सकते, लेकिन उससे गणित जरूर बना सकते हैं। पर होता क्या है, जब हमको सब कुछ तैयार मिलता है, अगर इंसान को आग पहिया ये सब तैयार मिला होता तो इस बात के पूरे चांसेस है कि इंसान जरा भी क्रिएटिव नहीं हो पाता, ना कभी वो साइंस वाइज कुछ पूछ पाता। तो अपनी बारी पीढ़ी को इतना कुछ तैयार मिल रहा है, उसके जीवन में उतने स्ट्रगल्स नहीं है, ज़्यादा चीज़ें लोग कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं वो करने के लिए, किताबें लिखने के लिए, राइटर्स हैं, सिनेमा बनाने के लिए वो लोग हैं, तो उसके पास करने को बहुत चीज़ें नहीं है, उसके पास करने को बस यही है कि स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उसको सर्वाइव करना है, कैसे भी पैसे कमा रहना है, घर बना रहना है, गाड़ी खरीदनी, तो उसका फोकस वहाँ पर हो गया है। तो और स्कूलों में भी जैसे शिक्षा मिलती है, एकदम एक जैसे बता दिया गया, हर चीज़ डिफाइन कर दी गई, जब हर चीज़ डिफाइन कर दी गई एकदम एग्जैक्ट शब्दों में, तो बच्चे क्या क्या उसके बारे में पूछने को। और जितना भी हम किसी चीज़ को किताब में डालते हैं, जितना भी किसी चीज़ की परिभाषाएँ करते हैं, थ्योरी सीखते हैं, मैं भी गलत की बात पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, गलत के साथ मेरे बच्चे भी ये कॉमन है, अनएजुकेटेड लोग रिसर्च एजुकेटेड लोग। तो मुझे लगता है कि जब हम जितना कुछ पैकेट करके किसी दूसरे को दे देते हैं, उतना ही उसकी संभावना खत्म हो जाती है खुद कुछ खोजने की, और हम वही कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम शायद कुल मिला के यही कर रहा है, सारी दुनिया कुल मिला के यही कर रहे हैं, सब कुछ एकदम तैयार करना चाहते हैं। अभी स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही थी, जो तमाम मंत्र थे, जो तमाम उनके अभी के तमाम मैप आते हैं जिसमें स्पिरिचुअलिटी के लिए ये मंत्र है, क्योंकि उसकी एक फ्रिक्वेंसी है, तो वो भी उन लोगों ने खुद खोजा था, वो भी रेडीमेड मिल रहा है। तो हमें इतना कुछ तैयार मिल रहा है, हमें दुनिया में है परफेक्ट कंज्यूमर है, सब कुछ तैयार है, और उसको उसको इस्तेमाल करना सीखने के लिए हमको स्कूल जाना पड़ता है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, डिग्रियाँ लेनी पड़ती हैं कि हम उसको अफोर्ड कर सकें, हम उसको देख सकें, उसको जान सकें, एक्सपीरियंस कर सकें। तो ऐसे में क्रिएटिविटी का एक उल्टा प्रक्रिया चलती है, क्रिएटिविटी खत्म कर रही है धीमे धीमे करके, शायद उम्र के साथ, शायद समय के साथ। अभी भी उम्र वाली बात इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे उनका बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होंगे आपसे, क्योंकि बच्चों को एक्जैक्ट तरीका नहीं बताया चलेगा तो कुछ अलग तरह चलेंगे, एक्जैक्ट तरीका नहीं बताया दिखने का वो कुछ और शिक्षा भी ले सकते हैं, एक्जैक्ट तरीका नहीं बताया कि ड्राइंग करने का कुछ और ड्रॉ कर सकते हैं, हमें एक्जैक्ट तरीका हम सब पता है कि ये ऐसे ही होता है भाई, और जो जितना कम निवृत है उसको उतना ही तय पता है कि नहीं ये ऐसे ही होता है, वैसे हो ही सकता, सीधे चलो, जितना डिसिप्लिन दुनिया में आ रहा बता रहा है कि नहीं इस रेखा में चलना है, चाइना चाइना नहीं साउथ कोरिया में उसके आगे बता रहा है कि तुम्हें ऐसे बाल भी रखने, ये भी नियम हो गया, तुम्हें यही नाम रखने, तुम्हें यही किताब पढ़नी है, यही किताब नहीं पढ़नी है, आप वहाँ घूमने जाएंगे तो आपको ये चीज़ देखनी है, नहीं देखनी है, तमाम सब कुछ बहुत एकदम एक लाइन बनाते हैं, फॉलोइंग लाइन, इसमें चलो, मतलब ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन, एयरपोर्ट का चेक इन नाला है, रेलवे स्टेशन का नहीं, तो मतलब ट्रेन में क्रिएटिविटी कैसे हो सकती है, ट्रेन जो पटरी पर चल रही है, हमारी दुनिया जो पटरी पर चल रही है उसमें क्रिएटिविटी का कहाँ स्कोप है, वो तो गाड़ी में थोड़ा इधर मोड़ दिया, थोड़ा उधर मोड़ दिया, थोड़ा लहरा लिया, थोड़ा तेज चला लिया, हम ट्रेन में चल रहे हैं पटरी पर, तो हम क्रिएटिविटी से उल्टा जा रहे हैं, कोई स्कोप नहीं है। आपसे थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफाई करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स इवन इन इंजीनियरिंग दे यूजुअली कम टू अस एंड दे से मैम आई बीइंग अ बॉय आई एम नॉट क्रिएटिव, शी बीइंग अ गर्ल शी इज क्रिएटिव, हाउ कैन आई बी क्रिएटिव। सो अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन बट इन अ डिफरेंट फॉर्म सॉर्ट ऑफ, बिकॉज आई आस्क दैट इज क्रिएटिविटी अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर, is it there or can we nurture it, and if a student comes and asks you how can I be a creative guy, what should be the answer? The only answer is you have to come out of the box. How do you think out of the box is a different it should be a different subject, and that subject should be called how to unlearn. Aap sabne schooling ki hai,
अगर मैं भी आपको एक पेपर दे दूं और एक पेंसिल दे दूं और बोलूं आपको सर 30 सेकंड है आपको नेचर सीन ड्रॉ करना है, तीन चार पहाड़ राइट एंगल पे, एक आर्क, उस जो सूरज होगी एक रे बड़ी एक छोटी एक बड़ी एक छोटी, दो तीन पक्षी वी शेप के, एस शेप की नदी, एक झोपड़ी, अगर टाइम बच गया तो झोपड़ी में से धुआं निकलेगा, एक पेड़ बन जाएगा, झोपड़ी का रास्ता नदी तक आएगा। मतलब हम लोगों को ये स्कूल ये इंश्योर कर देता है कि आप इससे आगे ना सोच पाए, क्योंकि अगर आपने नेचर सीन में एक सेम बना दिया तो टीचर मार्क्स कैसे देगी उसको, तो पहाड़ को मन नंबर देने है ना। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जिन लोगों को पढ़ाने के लिए रखते हैं वो पढ़ाने पढ़ाई करने पढ़ाने इसलिए आए हैं क्योंकि वो और कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो खुद कहते हैं 3 महीने छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी नहीं होती है, पेपर चेक करो, कॉपीज चेक करो, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी टीचर का दर्द मत उठाना। तो आई थिंक वो लोग जिन्होंने इस सिस्टम को तोड़ने की और कुछ अलग करने की कोशिश की उन्होंने पहला कदम तो उठा लिया। मैंने इंजीनियरिंग फॉर्मली नहीं की लेकिन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने ऐसे ऐसे ब्रांड्स के लिए काम किया है, आपके आसपास इतने ब्रांड्स हैं जो आप डेली रूटीन में यूज कर रहे हो जिनके लिए मैंने कुछ ना कुछ किया है, और ये सब मैंने तब किया जब मेरे को ग्रेजुएशन कोर्सेज में कुछ भी नहीं पता था, जिससे मुझे ये खुद को समझ में आया कि शायद मैं उस प्रॉपर फॉर्मेट में जाकर पीछे रह जाता। तो कहीं ना कहीं अगर कोई आपसे, मेरे से भी बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर आप बताइए हम क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये सवाल पूछना छोड़ दो, तुम बस एक चीज अपने दिमाग से निकाल दो हमेशा के लिए, एक टैटू करवाओ अपने बाजू में इस लाइन का, उसके ऊपर एक क्रॉस करवा देना, दिस लाइन इज लोग क्या कहेंगे, ये हटा दो क्रिएटिविटी अपने बाहर आ जाएगी। आई थिंक ऐसे आपने भी यही किया था क्योंकि जब इन्होंने सिस्टम से लड़ने की सोची तो उन्होंने, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं जाकर अपने फादर को ये बोलूंगा ना कि मुझे खड़े होना है जाकर सड़क पर और मुझे नारे लगाने हैं क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि फलाना फलाना गवर्नमेंट या ऑफिसर या जो भी है वो ऐसा काम क्यों कर रहा है, मेरे पिताजी कहेंगे तेरे को क्या पढ़िए, मुझे पता है मुझे ये जवाब मिलेगा और हम सबको ऐसा ही पीछे जवाब मिलेगा, फिर ये होगा कोई और जा रहा है क्या, तू अकेले क्यों करेगा, अच्छा तू खड़ा हो जाएगा तो बाकी होगा क्या होगा, मतलब इतनी ज्यादा हमने अपनी बाउंड्रीज और लिमिटेशंस बना रखी हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल है पर हमने जबरदस्ती की लिमिटेशंस अपने चारों तरफ क्रिएट करके अपनी क्रिएटिविटी को डब्बे में बंद करके पांचवीं क्लास के बाद आगे उसे नहीं खोला कभी, पांचवीं क्लास तक हर कोई टीचर बनना चाहता था, छठी क्लास से चेंज हो चुका है सर। इसी बात पर सेम आपसे आज जानना चाहेंगे बिकॉज़ बिग बॉस में तो सबने देखा सबको बहुत मजा आया, बट जो एक स्ट्रगल रही है आपके लिए वो पर्टिकुलरली आप जानना चाहते हैं कि हाउ डिड यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू एक्चुअली डिड व्हाट यू वांटेड टू डू, दो इट वाज सच अ टफ टाइम फॉर यू एज वी रीड ऑन द इंटरनेट, सो आज आपसे सुनना चाहते हैं जैसे विक्रम जीत ने बोला अभी कि पेरेंट्स के इतने क्वेश्चन आते हैं, लोगों के इतने क्वेश्चन आते हैं, मैंने कुछ बहाना बनाया और थोड़ा बहुत मैं असल में कुछ मैगजीन निकालना चाह रहा था अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि नामुमकिन ही होता, लेकिन कोशिश की उस चक्कर में किसी कार्टून की किताब तक पहुंचे, कार्टून बनाया छपने लगे, कार्टून सो गए, कोई प्लान नहीं था कि कार्टून बनाएंगे, मैं बनाता नहीं हूँ, और पॉलिटिकल कार्टून इज ठीक क्योंकि वही मैंने देखा था, मतलब कि अखबारों में वही छपता था, उसमें मेरी दिलचस्पी रही थी लंबे वक्त से, घर में मेरे बाबा जी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिक्स में भी थे तो पॉलिटिक्स से काफ़ी बातचीत हुआ करते थे, तो पॉलिटिक्स में भी समझ में आते थे, तो आर्ट थोड़ी बहुत मैंने समझी क्योंकि सीखने की कोशिश करके सीखा, ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा आर्टिस्ट, तो कुछ किताबों से सीखा और उसके बाद किया छपने लगा, अखबारों में काम वाम में लगा, फिर मैंने कार्टून को और थोड़ा समझने की कोशिश की, जैसे अपने यहाँ क्या लक्ष्मण साहब कार्टून लगे हुए हैं, यहाँ पे मैंने देखा बड़ा सुंदर जगह है एक कार्टूनिस्ट के लिए, लेकिन जैसे कि कोई भी चीज़ टाइम कास्ट होने का एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि एक बड़ा लीडर आता है और वो एक ढंग से काम करता है और बाकी सारे लोगों को लगता है कि बस एक स्ट्रेट है,
तो लक्ष्मण साहब का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि ऑफकोर्स मतलब कार्टूनिस्ट तो लोगों ने बहुत लोगों ने वहीं से जाना पॉलिटिकल कार्टून बहुत फेमस होते हैं लेकिन फिर लोगों ने वही करने की कोशिश की लक्ष्मण साहब उनका एक कॉलम भी हो गया था बॉलीवुड से तो मुझे कई कार्टून मिले हैं जो काफ़ी उम्र दराज है 50-50 साल से कार्टून बना रहे हैं उनके अखबार में उनके एडिटर ने कहा कि कुछ ऐसा करो मतलब तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया अब जब बहुत सारे अखबारों में कार्टून यही करने लगे तो जो बेचारा सीख लिया तो उन्होंने भी कुछ ऐसा कर दिया तो हुआ कि यही कार्टून होता है ऐसे ही मतलब कोई अमिताभ बच्चन सिनेमा को कोई लक्ष्मण कार्टून को मतलब उनकी कोई गलती नहीं होती वो बस सफल हो जाते हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिस्ट होते हैं लेकिन वो सिर्फ एक धारणा होती है आर्ट की तो मुझे लगता था कि जब मैं विदेशों में देखता था तो वहाँ पे कार्टून की बहुत अलग लेवल है तो वहाँ बहुत ऑफेंसिव है अपने यहाँ से कहीं ज़्यादा वहाँ ये तमाम बात होता है कि वो अलग अलग कॉज के लिए खड़े होते हैं तो मुझे लगता था कभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए किसी मुद्दे के लिए सिर्फ अखबारों में समेट के रखने का और वो समय था कि जब अखबार कार्टून छपना कम कर रहे थे और आप कभी कार्टून के किसी कार्टून से किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो सब रो रहे होते थे कि एक बार एक लोग कह रहे थे कि सरकार को नियम बनाना चाहिए कि हर अखबार कार्टून जरूर छपे मुझे सच में याद है ये बात 2010 की है दिल्ली की है तो मैं किसी कॉन्फ्रेंस में आया था तो एक कार्टून में गई थी कि डिमांड तो वो ऐसे मतलब बहुत से ऐसे डिमांड नहीं करने जा रहे थे पर उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नियम तो बनना चाहिए तो क्या होगा आगे चल के तो मुझे लगा कि अखबारों पर ही क्यों आशा चल रहा है अखबार वही होता है कि एडिटर होता है बोलता है ये छापेंगे ये नहीं छापेंगे तो वो सब मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे लगा कि छपला करते हैं वेबसाइट बनाए वहाँ कार्टून डाले फिर वो बैन हो गई तो उसके बाद भाई बैन करने से सरकार ने खुद ही मतलब मुझे अगला एक वो दिया बैन कर दिया तो मैं कई लोगों के संपर्क में आया जो पहले काम कर रहे थे इंटरनेट फ्रीडम पे कुछ कानूनों का पता लगा ये समझ में आया कि वहाँ पे कैंपेन करने की ज़रूरत है एक सर्कल बना तो वो हो गया फिर उन्हें गिरफ्तार भी कर दिया फेडिशन में 7-8 महीने बाद 10 महीने बाद तो मतलब सरकार खुद ही आपको मतलब जबरदस्ती इसमें ले आती है वरना आप तो चुपचाप कार्टून मतलब कभी मेरी वेबसाइट नहीं बनाई होती कभी मुझे गिरफ्तार नहीं किया होता तो मैं कतई एक्टिविस्ट नहीं होता कुछ और कर रहा होता मतलब अखबार के लिए कुछ और तरह से कर रहा होता शायद अपना कुछ वेंचर कर रहा होता पर वो आपको जबरदस्ती परेशान करते हैं ऐसे कर देते हैं उनका भी एक पूरा प्रक्रिया है सेंसरशिप का बिकता है जैसे कि हम आर्टिस्ट हैं हमारा काम है आर्ट क्रिएट करना उनका काम है कि अपने लिए इन्फ्लुएंस क्रिएट करना उसके मौके ढूंढना तो आर्ट को भी एक चांस की तरह देते हैं आपने कोई ग्राफिटी बना दी उनको एक मौका मिला कि अच्छा ये चीज़ है इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं यहाँ पे नारे लगाओ इसको काले रंग से बोल दो अखबार में फोटो छप जाएगा जो सीनियर लीडर है वो कहेगा नहीं कि आप बहुत सही काम कर रहे हैं तो पूरा उनका एक तरीका है वरना कौन ऑफेंड होता है एक सिनेमा से कौन ऑफेंड होगा एक कार्टून से कौन ऑफेंड होगा पुलिस के पास जाएगा इसका मुकदमा कर दो उसका मोबाइल पर जाता है वो सिंह की रिपोर्ट करने जा सकता है कहाँ जाए भैया पुलिस पता नहीं क्या चीज़ होता है क्या उसको कहते हैं ऐसे ही काम चल जाए ऑनलाइन अगर रिपोर्ट हो जाए तो कोई नहीं किया पुलिस पता नहीं साहब को होने लगा तो कोई कभी नहीं जाता है रिपोर्ट करने लोग डरते हैं पुलिस से छोटे शहरों में और जाता लेकिन ये पॉलिटिशियन नहीं डरते हैं इनकी बात दोस्तों में इनको तो इंडस्ट्री करना है पैसा अपने पॉलिटिक्स को उसके पे भी करते हैं पुलिस के साथ मिलकर चार बातें करते हैं आगे काम करना भी करवा दिया तो ये बहुत प्रोफेशनल जैसे हम लोग आर्ट क्रिएट करते हैं वैसे इनका काम है कि आर्ट का साइड इफेक्ट दूसरा मतलब एक बाई प्रोडक्ट कैसे निकालना है उसके खिलाफ खड़े हो जाना है उसका विरोध करना है थोड़ा चर्चा उठा लेनी है और ये दिखा और तमाम कम्युनिटीज है अपने तो हर कोई उसका ठेकेदार बनना चाहता है कोई ब्राह्मण कम्युनिटी का है कोई ठाकुर कम्युनिटी का अब ठेकेदार कैसे बनेगा हम कहेंगे देखो ये हमको मारने आ रहा है इसने हमारा अपमान किया है तो हम पहले ये प्रूव करेंगे कि देखो इसने हमारा अपमान किया है चैलेंज किया उसके बाद मैं उसको मारूंगा ठीक है और ऐसे करके मैं यहाँ का नेता बन जाऊंगा तो इंडिया में पॉलिटिक्स 90% मुझे लगता है ऐसे ही होते हैं अभी तक ऐसे होती है अभी वो आर्दिक पटेल अभी भी हो रहा है कोई मतलब पुराने जमाने की बात नहीं है अभी भी दूसरे तरीके हैं नहीं पॉलिटिक्स में बहुत क्योंकि तो भी बहुत काम कर नहीं रहा है एक तो लोगों ने किया तो किया होगा ऐसे ही होता ही है पॉलिटिक्स का सब अच्छा लगा असीम आपका व्यू पॉइंट सुन के बिकॉज अभी हम हमेशा दूसरा साइड पढ़ते आए थे बट आपका साइड सुन के अच्छा लगा लास्ट पॉइंट क्वेश्चन फॉर दिस पैनल और पर्टिकुलरली मैं हर्ष आपसे सुनना चाहूंगी कुछ जवाब People usually in India feel that there are no monetary rewards when it comes to showcasing your creativity. What a question! There are many poets and storytellers sitting here, but they cannot take that up as a full-time job because they feel there is no monetary benefit. But you have actually stepped out of your comfort zone. You have created the magic of being an artist. Same is the case with the scene. So what do you think, what's your opinion on this particular statement that there are no rewards for the creativity in our country? Yeah, that's actually a very good question. And I think that when I start to respond to that, first of all, I feel that monetary reward is also not everything. Like I actually started doing street art when I was financially the most fulfilled.
But I felt that spiritually, and I think internally as an artist or as a human being, I felt that I was running on a deficit. Right? So that's the thing. The thing is that, again, coming back to the education system, coming back to the government, coming back to everything, the thing is that what are the things that our society rewards us for? Right? Even the definition of success, right? Like, is so archaic. Right? If living today, you are still measuring your success based on the amount of money you are making, then that is a very, very archaic thought process. Because internationally, UNO, or even experientially, right? Like anybody who is here who's above a certain age knows the limitations of finance, knows the limitations of money. Now, it is very important, right? It is as important as any tool in your life is, right? So what happens is that not everything you do in your life, you do it for financial gains, right? Now, financial freedom and stability is very important, right? Because if you don't have that as an artist or as whoever, then you might have to compromise and do certain things that you don't want to do. Right? But even if you are doing that, eventually you do what you want to do, then that's justified. Right? Now, what happened in my case is that I feel that I was extremely lucky. Okay? I went by the formula that was taught to me in school, that was taught to me in college. I worked really hard to achieve this so-called definition of success. Right? And I got it. Right? But when I got it, I realized that my journey or the anticipation of this really beautiful thing that I am getting was much more rewarding than getting it. You know, it's like, you know, when you are planning your house or something like that, or you're planning your life, you're like, bas wo gaadi mil jayega. Ya ek wo people aa jayega na, to sab theek ho jayega. Ye badhte hi badhiya wale ho na, to maza aa jayega. But then you eventually realize that it's not going to bring you the fulfillment. It's like an endless cycle, right? So what happened in my case was that I really started enjoying what I'm doing, because before I got into street art, I think for 6-7 years I never shared any of my work with it. In terms of the illustrations, the sketches, and everything that we were doing, that I was doing, I wouldn't share it with it. Because somewhere I was very resentful to this world. Somewhere I felt that the world, like, it's now, even speaking about it, I understand that it's also coming from a place of extreme ego. But somewhere I was like, that this world doesn't deserve to see what I'm doing. And what I'm doing, I knew it was good because it felt good. You know, ma'am spoke about a connection with the divine and how do you connect to the source. I think for me, from a very younger age, one of the easiest ways to connect with the divine is when I'm walking. You know, when I'm playing around with my pencil on a paper, or when a poet is playing around with words, or when an actor is doing their thing, you lose yourself completely. And there's actually a term for it, it's called flow. Right? And at that time, you are in the highest state possible. Right? So I wanted that. And the thing is, it's so strange, right? Like, a lot of people here, definitely the panelists here, sitting here are like more rebels. But a lot of people here, like, we are so lucky, right? That I get to, so even when I was working as a designer, and I still do, like, I'm so lucky that I am actually getting up every day and I'm going to work. And I'm doing things that if you gave me all the money in the world, I would do this. After all the traveling and after all of that stuff, it's like I'm doing things that I love. Like, what used to be my hobby has become my profession. But somewhere along that process, the magic has gone. Somewhere along the process, the word play became work. Somewhere along the process, I hate Mondays now. Right? So this is like somewhere we went wrong, right? I mean, and the thing is that where we went wrong is because
the levels or the system. When I say system, I don't mean an external system. I'm talking more about an internal system in our head, right? Is that the, how you define success or what you reward yourself for was warped, right? If you are a creative person, by nature, you have to be an empathetic person, right? Now, if you are an empathetic person, you are a sensitive person. So you cannot behave like an insensitive person. But a lot of times, in at least in the work, professional work culture, insensitivity is rewarded. Because your goal is something else. I don't care how you're feeling, what you're doing, just finish this game. Right? But you have to kind of understand your own limitations as well. Right? And it's not even a limitation. Why even name? What's a name? What is a name? What is a name? Many kids. Okay. And when I kind of felt that, I felt really bad. And I'm just going a little bit in detail and sharing this experience because maybe it can strike a chord with someone. Somewhere I started feeling really guilty. Because I was like, dude, I'm doing what I want to do. Everybody that I meet looks up to me and is like, wow, aapki job achhi hai, aap to bas artist ho, ya writer ho, ya sir, ya baat hai. But I wasn't feeling that way. I was like, shit, I want to kill this client. This client doesn't understand anything. And somewhere over all these years, the things that came really naturally to me remained in my files, on sheets of paper, at my home. And I never shared it with anyone. And then I think finally I came, life's a beautiful journey, right? And it finally brought me to the stage somewhere where I was just like screwed. And then I started doing something else. But because I really loved what I was doing, I feel that everything else is just it's a side effect. It's a pleasant side effect. It's almost like, for example, agar kisko bukhar hota, right? You usually touch that person and you're like, dude, ye garam hai. Theek hai? But uski bimari ye nahi hai ki wo garam hai. Wo symptom hai ki uske andar kuch chal raha hai. Or what he claim, right? The same way, if like you are doing what you love, right? And it is about balance, right? You need to balance it out. You're doing what you love, then the money, the fame, the success, the connections, the satisfaction, all of this is a side effect of it, right? It's almost like if I'm going to the gym, I hate gym, right? And I'm never going to go to the gym, but I'm giving this example. If you go to a gym, and even if I hate it, but if I go every day for 1 year, even if for the first 2 months, I just see people working out. First month, I just make fun of everyone. Then 1 month, I'll be like, kya hai? Then finally, I'll pick something up, I'll work something out. Then by default, if I do that for a year, I'll be physically fitter than I am today. So it's also about, it's similar with your thoughts. Right? So every time you are telling yourself a negative thought because somebody else cannot understand what you're doing or because somebody else is not rewarding you for what you're doing, you're screwing yourself up. And I want to pick up something from what Azeem was saying, right? About the disadvantages of success, right? Or at least the disadvantages of your predecessors, okay, who have had amazing success. The thing is that I realize that as human beings, right, we really like I love certainty. Okay, I love ki ye meko pata hai main yahan aaunga, ye hoga, meko koi surprise nahi maangta, unless acha surprise hai. Like, I don't want it. Okay, so what happens is that similarly, even the industry works. Right, at the end of the day, you have to understand that there is not some higher power that is in control of the industry we work on. They are human beings, right? Who are using this. So they also want certainty, and what happens is that is where the formula thing comes. Now, some comic artists, right, did something which became really popular, right, and using which, and got a lot of attention first, right? Then some person would have been able to capitalize that and make some money out of it, and then they were like, yeah, hey, ये जो डिश बन रहा है इसमें नमक इतना ही डलना चाहिए बस अब सब यही खाएंगे ओके नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम
But then at the same point of time, until and unless you don't put yourself in that space of uncertainty and discomfort yourself, how will you evolve? So comfort and evolution don't go hand in hand, right? And that is also like a very personal struggle that I think as artists and as creative people we do, because we are all very self-indulgent. Okay, we work really hard to be super lazy. Let me put it that way. So I don't know if I've been able to answer that question, but I think that in terms of finances and everything, another thing that I want to say about the making money aspect out of it, you know, it's like I meet a lot of intelligent people, right, in my day to day, and a lot of them are very intelligent, very intellectual, very analytical. But most of them are very unhappy. Right? And I've just been blessed, I'm able to get really close to them. So this guy is like some world top economist, but he's very unhappy. And our society revolves intelligence, right? Thought is the highest. Right? And it rewards, and then when I speak to them, I realize that not sab kuch bhi intelligence nahi ho sakta. You know, it is like a tool. It's like a tool, it's like a knife. Right? You can slice through things, you can cook yourself a meal, you can protect yourself, but you cannot stitch a shirt using a knife. Absolutely. It won't happen. The same way your artistic talents, your creativity, or whatever we want to call right brain, I think we call it, right? That is also a tool. It doesn't completely define you. So that tool may not be the best suited tool when it comes to money. Absolutely. Right? Me being creative with my money means spending all of it, basically. Which I love doing. So I think it's about balance, and it's about that. And being able to make money or not make money has got nothing to do with arts. Like, I remember a friend of mine said this wonderfully. He said that, dude, you are, supposing we are artists or we are like designers, and we are not making a lot of money because we are doing this unconventional thing. I know a million people who are doing the conventional thing and are also not making money. So there are no guarantees. Absolutely, you answered the question beautifully, and I think that satisfies everybody. Yeah? If not, you can catch him up later. So I think they, all three of them, have told us beautiful ways to convert your Mondays into the Mondays that we would really start loving. We usually hate Mondays. And I think the difference lies in the fact that there is a statement that says, do what you love. And then there is a statement that says, love what you do. Because we all have been trying